ये देखिए इसका टेक्सचर, आपको देखने से लग रहा होगा ना कि ये बिल्कुल हाथों से ही बनी हुई है। मिक्सी में इस प्रकार का टेक्सचर आपको नहीं मिल पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आग में पके हुए कच्चे आम का शरबत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस कच्चे आम की शरबत के लिए हमने फ्रेंड्स इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन में हमने कोयले को जलाया है। और मेरे यहाँ इस प्रकार के बर्तन को बोर्जी बोलते हैं। आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस पर हमने कोयले को जला के यहाँ पे 4 से 5 आम हमने पकाया है। ये वेट में लगभग 700 ग्राम के आसपास होगा। इसी प्रकार से आप पंखे की मदद से इसे आप कोयले को जलाते रहेंगे और इस प्रकार से आम को मूव करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। आम का शरबत गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद होता है फ्रेंड्स, खासकर ये गर्मियों में। ये कभी लू भी मार दे शरीर में तो इसे पका के पूरे शरीर में इसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होता है शरीर में, बहुत ही ठंडक होता है ये आग में पकने के बाद। आप चाहे तो इसे चूल्हे में भी पका सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल देसी तरीके से बनाया है इसे, तो इसीलिए हमने कोयले पे पकाया। ये देखिए हमारा फाइनली सारा आम पक गया है। तब हम एक थाली में निकाल के इसे इसके छिलके को हम आराम से इसे निकालेंगे। इसके छिलके बिल्कुल पकने के बाद अलग हो जाते हैं फ्रेंड्स, आपको देखने से ये लग रहा होगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया से आसानी से इसके छिलके निकल जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप हल्के हाथों से इसके सारे छिलके को निकाल लेंगे। और इस रेसिपी को हम फ्रेंड्स मिक्सी जार में हम नहीं पीसेंगे, हाथों के सहारे इसे मैश करके बनाएंगे, क्योंकि जो देसी तरीका है बहुत ही पुराने समय से ये चला आ रहा है। तो उसी प्रकार से हम बनाएंगे बिल्कुल ट्रेडिशनली। तो ये देखिए हमारा आम छिल गया है। तो सारे आम को हमने इस प्रकार से छील लिया है। तब हम इसके गुदे को निकाल लेंगे जिसका कि हम शरबत बनाएंगे। और मैनुअली हाथों के इस प्रकार के सहारे से आप हल्के हाथों से इसे इस प्रकार से प्रेस कर करके इसके बीच वाली गुठलियाँ को निकाल देंगे। ये देखिए बीच वाली गुठली निकल गई है। तो सारे आमों को हमने हाथों से मैश करते हुए इसे निकाला है इस प्रकार से क्रश करके। तो ये देखिए अब हाथों के सहारे इसे मैश करेंगे हम, क्योंकि मिक्सी में इस प्रकार का आपको फ्लेवर नहीं मिल पाएगा और ये जो टेक्सचर थोड़ी थोड़ी दाने दाने मिलेंगे वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हमने मैनुअली इसे बनाया हाथों के सहारे से। तो इस प्रकार से जिस तरह से भरता हम लोग कूचते हैं ना, उसी प्रकार से इसे कूच लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली हमारा ये जो है तैयार हो गया है। तब हम इसमें चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। हमने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी डाला है और पानी हमने लगभग 1 गिलास के आसपास डाला है। 1 गिलास से थोड़ी कम ही है। हम पहले इसे देख लेंगे मिला के कितना ये गाढ़ा है, क्योंकि ये जो है ट्रेडिशनली बहुत ही गाढ़ा होता है, कि पतला ये अच्छा नहीं लगता उतना। तो गाढ़ा ही हम इसे बना के पियेंगे। तो गाढ़ा ये आम का पका हुआ शरबत बहुत ही फायदेमंद होता है। ये देखिए फाइनली हमारा इस प्रकार का थिकनेस है। तो ये बहुत ही गाढ़ी है। तो इसे हम अब सर्व के लिए निकालेंगे और इसे स्टील के गिलास में, इसे पीने से बहुत ही मज़ा आता है। तो ये फाइनली हमारा फ्रेंड्स कच्चे आम का आग में पका हुआ शरबत तैयार है। गर्मियों के दिनों में कूल कूल और गर्मियों से राहत दे। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार आसानी तरीके से बनाएं और इस गर्मी का आनंद लें। आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।